देख पा रहे होंगे टायर कंप्लीटली फ्लैट हो गया। यहाँ देखिए 0-0 दिखा रहा है, अब इसको ऑन कर देता हूँ। इससे मैंने एक बार चेक कर लेता हूँ कि गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। ये गो मैकेनिक का टायर इन्फ्लेटर है और मैंने इसको सेवरल टाइम यूज किया है, उसके बाद मैं ये रिव्यू दे रहा हूँ। तो ये प्रोडक्ट मैंने सबसे पहली बार यूज किया लद्दाख में, जहां पे मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी। तो मैंने पंचर रिपेयर भी किया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि पंचर रिपेयर किया है मैंने और इसी से हवा भरा था। इसके अलावा मैंने इसको बार बार सेवरल टाइम यूज किया है। तो ये जो रिव्यू है ये मल्टीपल टाइम मोर देन 20 times यूज करने के बाद का रिव्यू है। तो ये प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ और आज मौका इसलिए है रिव्यू का क्योंकि मैं एक लोकेशन पे हूं। मैं बाहर उतरता हूं तो आपको दिखाता हूं कि इस लोकेशन में अभी पंचर उड़ाने वाला कोई नहीं है और मेरे फ्रंट टायर का हवा कम्प्लीटली खत्म हो गया है। तो मैं अभी जा रहा हूं बाहर, इसका निकलता हूं और इसको आपको पहले टेस्ट करता हूं, फिर इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। बॉक्स का मैं कोई अनबॉक्सिंग वीडियो अलग से नहीं बना रहा हूं। इस बॉक्स के साथ में देखिए ये इन्फ्लेटर आता है, ये इसके साथ ये हवा भरने वाला, ये तकरीबन 1.5 feet होगा और ये वायर भी सफिशियंट लंबा है। अभी मैं लगा के देखता हूँ, आपको दोबारा बताता हूँ। मेरी गाड़ी में तो सफिशियंट है, हो जाता है, और कोई बहुत लंबी गाड़ी होगी तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ये मान के चलिए बहुत लंबी गाड़ी के लिए नहीं है, लेकिन नॉर्मल सेडान जो इंडिया में जनरली चलते हैं उन सब में आप आराम से यूज कर पाओगे। और इसके साथ एक चीज और आता है जो कुछ इसमें कुछ वारंटी कार्ड्स है, तो ये प्रोडक्ट वारंटी वाला प्रोडक्ट है। और साथ में कुछ नॉजल्स हैं, ये देखिए अलग अलग टाइप के नॉजल्स हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें अलग अलग नॉजल्स हैं। तो ये सारे नॉजल्स जो हैं ये एक फुटबॉल वगैरह में हवा भरने का है, साथ ही साथ अलग अलग आप है और एक फ्यूज एक्स्ट्रा है इसके अंदर। चलते हैं बाहर, पहले टायर को चेक करते हैं। टायर कम्प्लीटली फ्लैट हो गया है तो उसको चेक करते हैं और उसके बाद इसमें हवा भरते हैं। इस टायर इन्फ्लेटर में दो चार जो इनका फीचर्स हैं वो मैं बता देता हूँ। इसका जो वायर है यहाँ पे फोल्ड होके इसके अंदर आ जाता है। सेकंड, ये जो हवा भरने वाला है वो इस साइड में अंदर आ जाता है। थर्ड, यहाँ पे एक लाइट है जिसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसका डिजिटल मीटर, इसके बारे में मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मैं इसको पहले कनेक्ट कर लूँ। कनेक्ट करते ही यहाँ पे डिजिट आता है। आप अगर ये सारा PSI में रीडिंग लेता है, तो अगर मैं कहीं पे आपको ये बोल दूं पाउंड तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसका मतलब PSI होगा। तो इस जगह से आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ रीडिंग सेट करना है, मान लीजिए आप यहां से रीडिंग सेट करना चाहते हैं, आप इसको कम करना चाहते हैं। प्रीसेट रीडिंग है इसके अंदर 26, आप देखेंगे ना प्रीसेट का 26 का है। आप जाओ जितना पे आप सेट करना चाहें, PSI में भी होता है, इसके अलावा किलो PSI, अब जैसे आप सेट करना चाहे। मैं जनरली इसमें ही सेट कर रखता हूँ, 0-0 जो है ये PSI में रहता है, ये मैं 30 PSI पे रखता हूँ। और अगर आप कुछ भी नहीं रखेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, ये डायरेक्टली आप कनेक्ट करिए, वो धीरे धीरे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आपको PSI बढ़ता रहेगा। आप सेट करना चाहें तो यहां से कर सकते हैं। और लाइट जो मैंने आपको दिखाया वो यहां से आप ऑन कर सकते हैं। रात के समय में इसका यूज है, रात को कभी अगर ऐसा हुआ कि आप अंधेरे वाले जगह में रुके हुए हैं तो अंधेरे वाले जगह में आप इसका यूज कर सकते हैं, और लाइट ऑन रखेंगे तो आपको आसपास का चीजें भी दिखेंगे। तो मैं अभी बाहर आ गया हूँ, आप लोकेशन देखो मेरे पीछे, ऐसे सिंगल रोड में हूँ, इधर भी खेत है, इधर भी खेत और पीछे ऐसा रास्ता है। तो यहाँ पे पंचर बनाने के लिए कोई नहीं है। मैं आज पंचर नहीं बना रहा हूँ, मैं इसमें हवा फिल करूंगा और सीधा चला जाऊंगा पंचर वाले के पास। तो मैं आपको दिखाता हूँ टायर की हालत कैसी है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे टायर कम्प्लीटली फ्लैट हो गया है, कम्प्लीटली फ्लैट अगर आप देख रहे होंगे तो। तो उधर का टायर ठीक है, इधर का ठीक है। और इस लोकेशन में ये मैं अभी हूँ एक जगह पे सालोमनी, यहाँ पे नोट छपता है, आसपास ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। तो हम लोग अभी इसको ट्राई करने वाले हैं। इन्फ्लेटर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले गाड़ी को ऑन कर लेना है और इसको इसमें लगा देना है, पिन कर देना है। ये पिन करने के बाद गाड़ी ऑन ही रहेगा। जब आप ये करेंगे ना, इसमें 00 साइन आएगा, 00 लिखा आएगा। और आगे का टायर के लिए तो सफिशियंट है,
तो मैं इसको पुश कर रहा हूँ, इसको पुश करके बस पुश एंड लॉक है। और मैं अभी यहाँ देखिए 0-0 दिखा रहा है, अब इसको ऑन कर देता हूँ। थोड़ा सा नॉइजी है लेकिन आप देखेंगे, थोड़ा सा नॉइजी है। देखिए मैंने अभी शुरू किया है और आप टाइम देख लो, 11:10 हो रहा है। कितना टाइम लगता है इसमें 30 पाउंड भरने में, 5 पाउंड अभी हो गया है। और एक चीज़ और गौर करने वाली है, इसका हवा भरने का जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट है। तो ये टायर पंचर है, पंचर टायर में ये कितने देर में 30 पाउंड तक हवा भरता है। देखिए अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है, तो जब तक ये भर रहा है मैं आपको दिखाऊं कैसा जगह है ये। यहाँ पे गाड़ी काफ़ी कम आती जाती है। एक्चुअली ये जो रास्ता है, ये इस रास्ते में आगे नोट छपता है सालोबनी का। अभी आप देखो करीब 7 मिनट हुए हैं और रीडिंग में आ रहा है 30, रीडिंग में 30 आ रहा है। मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, देखिए अभी रीडिंग में 30 आ रहा था, मैं इसको खोल देता हूँ। मैंने इसको अभी खोल दिया, आप देखो तकरीबन 7 मिनट हुए। अभी हम लोग ये मैंने रखा है, इससे मैंने एक बार चेक कर लेता हूँ कि आप देखो तकरीबन 30 पाउंड हवा हो गई है। दिखाने वाली चीज़ है, आप देखो ये फ्रंट टायर के लिए है, लेकिन जब मैं इसे बैक टायर के पास लेके आ रहा हूँ ना, तो ये तार ऐसा है यहाँ तक आ जा रहा है, ये इसमें आसानी से लग जाएगा। और अगर मैं डोर को खोल देता हूँ तो आप देखो डोर से जब मैं तार को ऐसे कर देता हूँ तो काफ़ी है, मतलब एक नॉर्मल होंडा सिटी कार में भी आराम से हवा इससे हो जाएगी। चलिए अंदर चलते हैं फिर बात करते हैं। बाहर बहुत गर्मी थी, हवा भरने में पसीने निकल गए। तो आपने देखा कि ये प्रोडक्ट काम बहुत ही बढ़िया करता है। मैंने लद्दाख में ऑक्सीजन कम था, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, वहाँ पे एयर डेंसिटी कम थी। तो मैं ये बोलूँगा कि आप ये प्रोडक्ट बिल्कुल खरीद सकते हैं और आप इसको यूज़ करिए। सस्ते में इससे बेहतर प्रोडक्ट मुझे और कोई नहीं लगा। इसके पहले भी मैंने पहले यूज़ किया था, उस समय मैं वीडियो नहीं बना रहा था, तो मैं एक पहले भी यूज़ किया हूँ, वो मैंने करीब 2200 रुपये से ख़रीदा था। तो वो 5-6 यूज़ के बाद वो जल गया। उसका कंपनी का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, लेकिन आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने जस्ट लद्दाख से पहले लिया था और उसके बाद मैंने करीब करीब हो गया तीन महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे ही हाईवे में रहता हूँ अपने काम को लेके, तो ये मेरा बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ मैंने ये भी एक खरीदा था जिससे मैंने अभी आपको रीडिंग दिखाई, ये भी बहुत काम का चीज़ है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब रहा बात कि इस प्रोडक्ट में क्वालिटी क्या है, सबसे बड़ी क्वालिटी है इसका प्राइस। ये तकरीबन 1600 रुपये में आता है और 1600 रुपये में कोई भी प्रोडक्ट इतना ज़्यादा भरोसेमंद नहीं है। मैंने इस करीब करीब अगर आप पंचर बनवाने जाओगे तो आपको जो टाइम लगेगा, हवा भरने वाले 1 मिनट में आपका हवा भर देते हैं, यहाँ पे आपको 6-7 मिनट लगते हैं हवा भरने में, लेकिन ये आपको मुसीबत के समय में हवा भरने का में मदद करता है। गो मैकेनिक का ये टायर इन्फ्लेटर मेरे तरफ से 100% रिकमेंडेड है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इस प्रोडक्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसकी रीडिंग्स हमेशा एक्यूरेट नहीं आती, तो थोड़ा बहुत ऊपर प्लस माइनस आप लेके चलिए 3-4 पॉइंट, तो आप इस प्रोडक्ट से उसको आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही और भी यूजफुल वीडियो के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। थैंक यू।